उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को सपाई मुखिया अखिलेश यादव इस टूल वाला मंत्री कहकर खूब मजाक उड़ाते रहे हैं। यहां तक कि अभी कुछ ही दिनों पहले उन्होंने एक बार फिर केशव प्रसाद मौर्य पर निशाना साधते हुए उन्हें इस टूल वाला डिप्टी सीएम कह दिया था। ये स्टूल लेकर के रहे पूरे अपने कार्यकाल 4.5 साल निकाल दिया। 4.5 साल अपमानित हो रहे डिप्टी सीएम, अपमानित हो रहे। अपमानित होने वालों का कोई जवाब नहीं देंगे। जिनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपमान मिला हो, जो अपने समाज के लिए कुछ न कर पा रहे हो, देखते रह गए। 69,000 कितनी बार लाठी खाए बताओ। यहां जितने नौजवान आए सब लाठी खाए, अपने हक के लिए अपने सम्मान के लिए लड़ते रहे, कोई ये नहीं कर पाए, कुछ भी मदद नहीं कर पाए। इसलिए इन लोगों की चर्चा करना ही बेकार है। कहते हैं कभी ना कभी वक्त जरूर बदलता है, और अब वक्त ने ऐसी पलटी मारी है कि केशव प्रसाद मौर्य को स्टूल वाला डिप्टी सीएम कहने वाले अखिलेश यादव के अपने सगे चाचा शिवपाल यादव को हुई स्टूल चुनाव की निशानी मिल गई। एक वक्त था जब समाजवादी पार्टी पर अधिकार को लेकर चाचा शिवपाल यादव और भतीजे अखिलेश यादव के बीच जबरदस्त सियासी जंग देखने को मिली थी, जिसके बाद दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए थे। अखिलेश यादव जहां सपा के अध्यक्ष बन गए, तो वहीं शिवपाल यादव ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के नाम से अपनी एक नई अलग पार्टी बना ली, और उन्हें चुनाव चिन्ह के रूप में मिली चाबी, जिसके साथ उनकी पार्टी ने साल 2019 का लोकसभा चुनाव भी लड़ा। लेकिन यूपी विधानसभा चुनाव करीब आते आते चाचा भतीजा एक बार फिर से एक हो गए, यानी अखिलेश की सपा और शिवपाल की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन हो गया, और दोनों ने साथ चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया। कि इसी बीच चुनाव आयोग का एक फरमान आ गया कि शिवपाल यादव की पार्टी से उनका चुनाव चिन्ह चाबी वापस लिया जा रहा है, क्योंकि यह चुनाव चिन्ह हरियाणा की जननायक जनता पार्टी को चुनाव आयोग ने दे दिया था। ऐसे में रजिस्ट्रीकृत मान्यता प्राप्त दल में शामिल शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को 197 मुक्त चुनाव चिन्हों में से कोई एक सिंबल अलॉट किया जाना था, जिसके बाद उन्हें स्टूल का सिंबल दिया गया, जो शिवपाल यादव के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं है, क्योंकि अब तक चाबी चुनाव चिन्ह के साथ प्रचार में जुटी शिवपाल की पार्टी के लिए नए सिंबल के साथ जनता के बीच जाना आसान नहीं होगा। अब क्या करेंगे शिवपाल? प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को चुनाव आयोग से स्टूल वाला नया सिंबल मिलने के बाद भड़के पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने आरोप लगाया कि साजिश के तहत उनका चुनाव चिन्ह चाबी जब्त कर लिया गया। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चाबी चुनाव चिन्ह छिनने के बाद शिवपाल यादव को मजबूरन अब समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल पर चुनाव लड़ना पड़ेगा। इटावा की जसवंत नगर सीट से चुनाव लड़ते आ रहे शिवपाल यादव इस बार भी इसी सीट से चुनाव लड़ेंगे। यह सीट मुलायम परिवार की पारिवारिक सीट मानी जाती है। 1967 में मुलायम सिंह यादव इस सीट से पहली बार चुनाव लड़े थे, और इस समय उनके भाई शिवपाल यादव इस सीट से विधायक हैं। मुलायम परिवार का गढ़ है जसवंत नगर सीट। 1967 में मुलायम सिंह ने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर जीत हासिल की। 1969 में कांग्रेस नेता विशंभर सिंह यादव ने जीत हासिल की। 1974 में मुलायम सिंह भारतीय क्रांति दल के टिकट पर जीत दर्ज किए। 1977 में मुलायम सिंह ने भारतीय लोक दल के टिकट पर यहां से जीत हासिल की। 1980 में कांग्रेस नेता बलराम सिंह यादव विजयी रहे। 1985 में मुलायम सिंह ने लोक दल के टिकट पर जीत हासिल की। 1989 में मुलायम सिंह ने जनता दल के टिकट पर जीत दर्ज की। 1991 में मुलायम सिंह ने जनता पार्टी के टिकट पर जीत हासिल की। 1993 में सपा के टिकट पर मुलायम सिंह फिर से विजयी हुए। 1996 में सपा नेता शिवपाल यादव ने जीत हासिल की। 2002 में सपा नेता शिवपाल यादव ने ही बाजी मारी। 2007 में भी शिवपाल यादव ने इसी सीट से जीत हासिल की। 2012 में शिवपाल ने चौथी बार इसी सीट से जीत दर्ज की। 2017 में भी शिवपाल यादव इसी सीट से विजयी रहे। यानी इटावा की जसवंत नगर सीट से मुलायम सिंह जहां 7 बार विधायक रहे, तो वहीं शिवपाल यादव भी लगातार 5 बार से यही से विधायक हैं। यही वजह है कि इस बार भी शिवपाल यादव ने चुनाव लड़ने के लिए यही सीट चुने।
लेकिन प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के अध्यक्ष होने के बावजूद अपनी पार्टी के सिंबल स्टूल पर लड़ने की बजाय सपा की साइकिल के निशान पर शिवपाल चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। यानी खुद शिवपाल यादव भी अपनी पार्टी के सिंबल स्टूल पर चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं।